मिलिट्री से जुड़े तीन ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको सरप्राइज भी करेंगे और काफी वियर्ड भी लगेंगे। अच्छा। फैक्ट नंबर 3, जो बेहद ही प्रसिद्ध रेबेन के सनग्लासेस हैं, असल में उनके बनने के पीछे मिलिट्री ही जिम्मेदार है। और ये तब हुआ था जब यूएस एयरफोर्स ने अपने पायलट्स को फ्लाइंग के दौरान सूरज की किरणों से बचाने और नौजिया और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए बॉश एंड लॉम को स्पेशल ग्लासेस क्रिएट करने के लिए कहा था, ताकि उनके पायलट्स उसको पहनकर फ्लाई कर सकें। और इसी के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ रेबेन सनग्लासेस का। फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जर्मन्स ने 88mm की एक ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन को बनाया था जिसे ट्रिपल थ्रेट आर्टिलरी कहा जाता था, क्योंकि इसे एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक कैनन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। और फैक्ट नंबर 1, 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान स्पेशली ट्रेंड मुक्ति वाहिनी के डाइवर्स द्वारा माइंस के फ्यूजेस को सील करने के लिए काफी बड़े पैमाने पर कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया गया था। और केवल माइंस ही नहीं बल्कि दलदल भरे इलाके को पार करते समय राइफल्स की मजल में कीचड़ ना जाए तो उसको भी सील करने के लिए कॉन्डम्स इस्तेमाल किए गए थे।